नंबर इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चावल, चावल से प्रश्न आते हैं। हाँ जी मंजू बिल्कुल, हाँ जी भैया। तो देखो कि अपने को इस तरह से पढ़ने, सबसे पहले देखो मिट्टी कौन सी पड़ी होती है, क्योंकि कहाँ कहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकते। सबसे ज्यादा जो फसलों के प्रश्न बढ़ते हैं वो मिट्टियों से बढ़ते हैं कि मिट्टी कौन सी पड़ी है। जैसे आपने कपास का नाम सुना होगा, कई बार पूछा जाता है काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, उत्तर आता है कपास, ये फिक्स ही आता है प्रश्न, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी लिखो चिकनी मिट्टी, ठीक है। चिकनी के अलावा चिकनी का एक और नाम आता है कछारी और दोमट, कछारी और जो नदियों में पाई जाती है। तो चिकनी आ जाए, कछारी और दोमट आ जाए, ये सब किसके लिए उपयुक्त है, चावल के, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे, जो आपके नोट्स बनाओगे ना वो इस तरह से बनाओगे। फिर आप नंबर दो पे लिखोगे वर्ष, नंबर एक पे मिट्टी, नंबर दो पे वर्षा। सेम ऐसे नोट्स बनाना कॉपी में, ठीक है। आपको ये पढ़ने में समय नहीं लगेगा, दोबारा रिवाइज। 70 से 200 सेमी तक वर्षा एवरेज होती है, कहीं आपको 80 से 200 सेमी मिलेगी, कहीं 100 से 200 सेमी मिलेगी, तो एवरेज होती है, ठीक है। फिर देखो नंबर तीन, तापमान। तो तापमान जो आपको मिलेगा वो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सी का मतलब सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब आप इसी तरह से सारे नोट्स बनाओ, जो विशेष बात होगी वो नीचे लिख देंगे। हाँ जी नमस्ते भी नमस्ते, जो विशेष बात होगी वो अपने नीचे लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ से देखो, जब आप इसको इस तरह से नोट्स बनाओगे, जब आप अपने पेपरों के समय में पढ़ोगे तो आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना पड़ेगा। किताब में थ्योरेटिकल दे रखे अपने याद करते हैं, नहीं याद होता। अब अपने इस पे याद करेंगे, मिट्टी चिकनी कछारी दोमट मिट्टी है, वर्षा 70 से 200 सेमी, तापमान 20 से 27। आप बताओ आपका समय बचा कि नहीं बचा, और दूसरी तरफ आपके बेहतरीन नोट्स तैयार हो गए, आपके समय बच गया दोनों, ठीक है। चलो अब देखो कि सबसे पहला प्रश्न क्या बढ़ता है, सर क्या बढ़ता है। तो देखो चावल उत्पादन जो है उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न बनता है कि प्रथम स्थान चावल में किसका है। तो यहां पे आपको लिखोगे स्थान, पहले है प्रथम स्थान, चाहे एक नंबर लगा दो चाहे प्रथम स्थान लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, अभी चीन का, किसका है चीन का, ये लो जी चीन, बस। फिर नंबर दो, यहां पर स्थान में लिखना है, ठीक है। दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान भारत का है, क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले ही पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर अगर कहीं पर भारत है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां कभी पेपर में नहीं आता है। किताबों में दे रखा होता है कि ये चौथा होता है, ये पांचवा होता है, ये छठा होता है, ये सातवां होता है। तो अपने को, हाँ जसकरण बिल्कुल इंडिया है, तो देखो अपने को सिर्फ तीन तक नंबरिंग याद रखनी है पेपर के दृष्टिकोण से, बाकी नहीं करनी। कई लोग करते रहते हैं, भारत का फलाने में सर 14वां स्थान, फलाने में 17वां स्थान है, उसमें वो स्थान है, तो वो स्थान कोई मतलब नहीं है, पेपर में पहला दूसरा और तीसरा ही पूछा जाता है। तो अपने लिए तो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न करना है, ये नहीं है कि किताबों वाला कचरा सारे अपने दिमाग में डाल लेना है, बाद में वो एक आधा प्रश्न पूछेंगे हमारे को, वो भी नहीं आता होगा। हाँ ये बात है, ठीक है। तो बस इतनी बात है, मेन मेन पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। हाँ जी अब देखो कि ये तो हो गया विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चीन का, और विश्व में दूसरा स्थान किसका है, भारत का। ये तो आप समझ गए होंगे, ये विश्व में है तो लिखने की जरूरत है नहीं कि छोटे बच्चों की तरह पूरी लाइन लिखवाएं, जैसे किताब में लिखी होती है, विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है, चीन पहले पर, चीन पहले पर तो पता लग गया हमारे को, चीन पहले पर है, भारत दूसरे, क्लियर। अब देखो इसके बाद अगला जो प्रश्न आपसे आता है वो क्या आएगा इसके, ठीक है। इसमें आएगा कि बताओ भारत के अंदर, भारत के अंदर प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, यह। तो अपने को ज्यादातर भारत के अंदर पहला याद रखना है, या फिर अगर कोई राजस्थान से संबंधित आंकड़ा है तो वो याद रखना, ठीक है। ओके तो लिखो, सबसे पहले लिखो, हाँ जी भारत में पश्चिम बंगाल है सबसे अधिक,
भारत में प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल सबसे आगे, ठीक है। और यूपी का दूसरा स्थान, नंबर लगाते जाओ, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा भारत में यूपी। बस शॉर्ट में अपने नोट्स तैयार करो, जितना कम समय आपको लगे पढ़ने में उतना लगाओ, ठीक है। हाँ जी, ओके भाई, अब यहां तक ये प्रश्न क्लियर हो गए सारे, कोई समस्या नहीं है। अब कोई सर इसके ऊपर कोई पेपर में प्रश्न बनते हैं क्या? हाँ, अब उस पर देखते हैं पेपर में क्या क्या प्रश्न आए हुए, अब वो देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हाँ जी, तो देखो पहला प्रश्न ये बनता है, ध्यान से सुनना, कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, प्रश्न क्या बनेगा, चावल का कटोरा। आप में से किसी ने ये प्रश्न पढ़ा है तो उत्तर दे सकते हो, भाई चावल का कटोरा ऑनलाइन थे भी देश को, चावल का कटोरा किसे कहते हैं भारत के अंदर, भारत में चावल का कटोरा किसे? हाँ, भारत, यानी कि चावल वहां पर ज्यादा होता होगा इसलिए चावल का क्या कहते हैं, कटोरा कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अपने भारत में है पंजाब, नहीं पंजाब नहीं है ज्योति, पंजाब नहीं है, बिल्कुल पंजाब नहीं है, सभी ने पंजाब उत्तर दिया, पंजाब चावल का कटोरा नहीं है, गंगानगर तो गेहूं से संबंधित है, ठीक है, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो देखो एमपी है, ओके लिखो भाई। हाँ जी, भारत में लिखो चावल का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, तो किसको कहते हैं भी, एक तो छत्तीसगढ़ को, ठीक है, और दूसरा चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों सही है, अगर एक एक ऑप्शन में आए तो एक एक देख लेना, ठीक है। दोनों को कहा जाता है चावल, कई किताबों में केवल छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, पुरानी किताबें पढ़ोगे उनमें केवल छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े करवा रहा हूँ, आप नोट कर लो, चावल का कटोरा किसे कहते हैं अभी। हाँ जी, हो गया अभी प्रश्न क्लियर, ओके है? चलो तो इतना आप नोट कर लो, पहले आप इतना नोट कर लो ये। हाँ जी, ओके अभी चलो, अब देखो कि विश्व के आधार पर इसमें क्या अगला प्रश्न बनता है वो देखते हैं। चावल का कटोरा भारत में कहते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछ ले कि पूरी दुनिया में चीन नंबर वन पर है, लेकिन चीन के अंदर भी कोई क्षेत्र ऐसा प्रसिद्ध है दुनिया में जाना जाता है जो चावल के लिए पूरी दुनिया में, तो वो है चीन का एक जगह आता है रेड बेसिन नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है? रेड बेसिन। बेसिन का मतलब होता है जो नदियों वाला क्षेत्र है, तो यहाँ रेड बेसिन आपसे कई बार सीधा पेपर में आता है, जैसे एसएससी वगैरह का पेपर पढ़ोगे तो वहां सीधा पूछा जाता है कि दुनिया में रेड बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन दे देंगे, गेहूं के लिए, मक्के के लिए, चावल के लिए, तो आप सही उत्तर क्या करोगे कि किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल के लिए। रेड बेसिन ये है कहां पे सर? चीन। ये अपने चावल के लिए प्रसिद्ध है। सर ऐसा क्या चावल है? इनका चावल बहुत बढ़िया होता है, जैसे अपने पास होता है ना चावल, हनुमानगढ़ गंगानगर में चावल बहुत बढ़िया होता है कि नहीं है सर? कौन सा चावल होता है हमारे पास? तो आपको पता है बासमती चावल होता है बढ़िया क्वालिटी का, वही आपका खावा क्या नहीं है, तो बढ़िया क्वालिटी का चावल आते ना, तो ये रेड बेसिन अपने चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनके चावल मतलब बढ़ने के बाद ऐसे बड़े बड़े हो जाते, मतलब थे पांच चम्मच खा लिया ना तो सर जीता, वो बस हो गया कार्य, समझ गया, ठीक है, ओके भाई। महंगे मिलते हैं आपको पता है, हाँ चाइना की चीजें तो सस्ती मिलती है, पर ये फसलें फुसलें सब जगह बढ़िया क्वालिटी होती है, थोड़ी महंगी होती है जी। आपने बासमती सस्तों मिलेगी? हाँ जी, नमस्कार भाई, नमस्कार। आपने बासमती सस्तों मिलेगी? देखिए हाँ, तो चलो ये प्रश्न अपना क्लियर हो गया, ओके भाई। चीन का तो अब इतना प्रश्न, भारत तो चीन सभी है। अब देखो एक प्रश्न आता है कि भारत के अंदर जो चावल है वो किस पद्धति से उगाते हैं? आप में से रोपण पद्धति से चावल लगाए होंगे कहीं ने खेत में, कभी चावल लगाए डेगे रोपण लगाए खेत में चावल देख, कहीं ने कहते ना भी चावल लगाओ खेत में जाके तो आवे को नहीं चावल लगाने को नहीं आवे, ठीक है। मैं एक बार मेरे मित्र के खेत में गया था तो मैंने कहा मैं भी चावल लगाऊंगा,
पांच साल लगाए बस जी दाबगे में रहन दे इया झुक झुक के रहन अपना कमर दी इया हो जाए बस कुछ नहीं हाँ समझ गया बड़ो मतलब खत्म कर तो आप जो लगाते हैं उनको बड़ा मतलब वास्तव में किसानों को धन्यवाद है कि हमें चावल चुवड़ खिलाते हैं ठीक है भाई। तो देखो अब अपना जो प्रश्न बनता है चावल प्रश्न वो क्या बनता है देखो चावल जो है इसके अंदर भारत में चावल उत्पादन की दृष्टि तो हो गई और भारत में सब हो गए लेकिन प्रश्न आता है ऋतु के अनुसार भारत में चावल कितनी फसलें होती है ऋतु के अनुसार किसके अनुसार ऋतु के अनुसार तो ऋतु के अनुसार याद रखना भारत में चावल की तीन कितनी तीन लिख लेना ऋतु के अनुसार भारत में चावल की तीन फसलें हो कितनी फसलें होती हैं भी तीन फसलें होती हैं ऑनलाइन वालों कितनी होती है भी तीन होती है ठीक है। अब सर तीन कौन कौन सी होती हैं थोड़ा नाम बताना तो लिखो पहले का नाम होता है अमन एक लाइन छोड़ देना अमन लिखने के बाद फिर दूसरी लिखना दूसरी का नाम होता है ओस ओस ठीक है ओस सह लिखा हुआ है बोरो तीसरी होती है बोरो। अब आपसे पूछ रही है तीन क्या है तो आप उत्तर दोगे ये ऋतु के अनुसार भारत में चावल की तीन फसलें हैं हो सकता है आप में से कईयों ने पढ़ी हो कईयों ने ना पढ़ी ठीक है। अब देखो कि जो अमन होती है ये शीत ऋतु की फसल है कैसी फसल है शीत ऋतु की फसल अमन कैसी है भाई शीत ऋतु धन है भाई हाँ। फिर देखो दूसरी है ओस ओस का दूसरा नाम है कुवारी कुवारी ओस का दूसरा नाम क्या है कुवारी ठीक है। ये भी चावल की जो है ये शरद कालीन होती है सर्दी वाली नहीं कहेंगे शरद और सर्दी में भी अंतर होता है ये शरद कालीन है अभी आपको ये क्या बताऊं अभी तो जैसे साफ से समझ लोगे तो आ जाएगा तो शरद अलग होगा शीत कालीन अलग होगा ठीक है। और बोरो जो है ये ग्रीष्म कालीन है ग्रीष्म गर्मी भी ग्रीष्म आप बेची जाती है गर्मी में ठीक है। इस तरह से ये तीन फसलें ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत में चावल की ऋतु के अनुसार कितनी फसलें फसलें बोल रहा हूं किस्म नहीं बोल रहा ध्यान रखना फसलें तो तीन फसलें किस्म अभी आगे बात करेंगे तो पहले इतना नोट कर लो सारे जने हाँ जी भाई फिर अपने आगे बढ़ते हैं हाँ जी भाई इतनी बातें सबको समझ में आई कोई समस्या तो नहीं है भाई अगर समस्या है तो बोल देना भाई कि सर समझ में नहीं आई दोबारा बताना थोड़ा हाँ बोल देना भाई कोई समस्या नहीं है हाँ जी ठीक है भाई। चावल का कटोरा किसी कहते हैं छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को भारत में प्रश्न ये आएगा भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं राजस्थान में चावल जो है वो अपने अलग से बने अगर आप बीच में मिक्स करूंगा तो मिक्स मसाला हो जाएगा वैसे अपने वाले को ही कहते हैं क्योंकि अपनी जो बेल्ट है हनुमानगढ़ और जो अपना गंगानगर है इसे राइस बेल्ट के नाम से जाना हाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है तो यही क्षेत्र है ठीक है। लेकिन मैं बीच में राजस्थान नहीं पढ़ूंगा राजस्थान की कृषि आपको अलग से पढ़ूंगा क्यों सर क्योंकि देखो किताबों में क्या करके कचरा करके बीच में ही भारत बढ़ा दिया बीच में राजस्थान दे दिया बीच में विश्व घुसा दिया अब ना तो हमें भारत वाले याद हुए ना हमें विश्व वाले याद हुए वो भूल गए वो कहते हैं कि आप तुलनात्मक अध्ययन करो तुलनात्मक अध्ययन करो जो कोचिंगों में टीचर्स पढ़ाते हैं ना आपको भी देख लेना जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं वो हमेशा यही पढ़ाते हैं पहले एक आदमी आपको भारत की कृषि पढ़ाएगा एक आदमी आपको राजस्थान की कृषि पढ़ाएगा एक आदमी आपको विश्व की कृषि और विश्व की कृषि आपके है नहीं सिलेबस में तो फिर वो हमें पढ़ेंगे नहीं और अब आपकी भारत की और किसकी है राजस्थान तो मैं आपको पहले भारत की पढ़ाऊंगा और आपको जब डेली आगे क्लास होगा तो राजस्थान के भूगोल में राजस्थान तो आप बीच में राजस्थान की मत ठीक है हाँ ओके है हाँ जी अशोक
नाली बेल्ट है। हाँ बिल्कुल नाली बेल्ट है, बिल्कुल असल ठीक है। हाँ जी तो फिर राजस्थान की जरूरत, कोई समस्या थोड़ी है। अगर आप वैसे ही पढ़ोगे जैसे किताब में दिया हुआ है ना, फिर ये नोट्स बनाने का क्या मतलब है? जैसे आप किताब में आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, किताब के अंदर मैंने ये जितनी बातें बताई आपको, ये सारी की सारी थ्योरी लिखी हुई है। और मैंने अब आपको क्या कहा कि नोट्स ऐसे बनाने हैं आपको, कैसे बनाने हैं? सबसे पहले आपको लिखना है चावल मुख्य फसल, फिर है नंबर एक मिट्टी। तो मिट्टी कौन सी है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना होता है, स्थान कौन सा है, उसके बाद अगर कोई पर्सन बनते हैं तो वो। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाओगे तो कम समय में आपकी तैयारी बेस्ट। और नोट्स एक बार बनते हैं है ना, वो थियोरिटिकल पढ़ते हो याद होता नहीं। अब आप बताओ आपने ये चावल पढ़ा, पढ़ा ना चावल, किताब के अंदर थियोरिटिकल में आप तो पेज दे रखे हो, बट जाके देख लीजिए, अलग से चक्कर देखिए, आप में से किसी ने देखा हो तो भी पढ़ा हो किताब में, पढ़ा ना। अब आप बताओ कहाँ वो आधा पेज है, कहाँ मेरी गिनती में चार लाइन। और इस तरह से नोट्स बनाओगे तो समय बचेगा कि नहीं, कल को जब आपका पेपर होगा तो आप पेपर में किताब पढ़ सकते हो क्या दोबारा, कि हम किताब के 1000 पन्ने रिवाइज कर देंगे, थे महान आत्मा हो जिसका कर्ज पैसों का कार्यक्रम, ऐसा नहीं। हमेशा अपने नोट्स बनाना वही पेपर में काम आएंगे, उसी से व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए अपने ओरिजिनल नोट्स हमें इस तरह से बना लिया ठीक है। आज से अपनी एक अकेली कृषि बड़े कोई दिक्कत नहीं, उद्योग जितने पढ़े जाए ठीक है, नहीं पढ़े जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। अगर हम 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगाएंगे तो अपनी कृषि तैयार हो जाएगी, पर्सन बाहर नहीं जाना चाहिए सही है। इस तरह से इसीलिए संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ, जो आ जाते हैं वो संडे को पढ़ जाते हैं, नहीं आते छुट्टी ठीक है। और ऑनलाइन अब तो रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि नहीं पहले देखो, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक है, रिकॉर्डिंग है कोई समस्या नहीं है, कहीं बोल जाओ रिकॉर्डिंग ठीक है भाई ओके है। चलो तो ये नोट कर लो सारे जने, फिर अपने 1-2 पर्सन और नोट करते हैं ओके। जो लेट आए हैं फटाफट कर लो भाई, हाँ जो लेट आए हैं वो कर लो। अब देखो अगर किसी की कोई किस्म है तो वो मैं आपको बता दूंगा, कहीं से कोई पर्सन बन रहा है तो वो बता दूंगा, बाकी नहीं लिखवाऊंगा फालतू चीजें ठीक है। अब देखो एक किस्म आती है, आपने कहीं ने सुनी होगी, माही सुगंधा, किस किसने ये किस्म सुनी है आपने से, कभी ना कभी पढ़ी है भी? माही सुगंधा चावल की है, चावल में से सुगंध आती है याद रखो ठीक है। हाँ जी तो नीतू ने सुनी है ठीक है, मंजू मैडम ने पढ़ा है ओके है। हाँ भाई आप में से किसने सुनी है? देखो अब यहां पर 2-3 किस्में आती है जो बड़ी कंफ्यूज करती, एक तो आपको ये देंगी माही सुगंधा, एक आपको देंगे माही कंचन। ये मक्का की है, ध्यान उबड़ लेते। हाँ, अब देखो कि यहां पर ये माही कंचन दे दी और माही सुगंधा दी, अब इनके अंदर की है फंसा के रख देगा, वहां ऑप्शन दे देंगे निमन में से चावल की है माही सुगंधा माही कंचन। अब आपको कहूंगा माही माही कुछ पड़ा तो था, ये इन याद आ लग रही है गेहूं की बढ़ा दी है ठीक है, अभी तगड़ी याद आ लग रही है आपके हिसाब से। हाँ पढ़ा, मैं कह रहा हूँ पढ़ा तो है, वही तो कहेगी पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा, बस मिक्स हो गया ना। तो याद कैसे करना है ना भाई, याद कैसे करना, मैंने आपके सामने उदाहरण दिया पढ़ा तो है, आप खुद ही कह रहे पढ़ा तो है, यही पेपर में कहोगे पढ़ा तो है, लेकिन याद कैसे करना है? चावल जब बनाते हो तो उसके अंदर से क्या आती है? सुगंध आती है, याद रखो चावल जब बनाते हो सुगंध आती है, खत्म कहानी। तो माही सुगंधा किसकी होगी और जो बच की वो अलग है, डन है। पहले एक चीज तो याद करो, अपने एक चीज याद करते नहीं दूसरी को पहले करने की कोशिश करते, वो दूसरी भी नहीं होती और पहली भी याद नहीं होती, फिर फंस के रह जाते हैं, पढ़ा तो था अब याद नहीं आ रही पेपर में, मेरे गलत हो गया मैं क्या करूंगा, फिर यही कहते हो अपने आप को। तो पहले थोड़ा पढ़ लियो लेकिन पक्को तो कर लियो मैंने, तभी तो मैं कहता हूं क्या पढ़ के गुणना है वो देखो है ना, नहीं तो फिर यही दिल में ख्याल आएगा कि मैंने पढ़ा तो सब कुछ था, पता नहीं मेरा गलत क्यों, हमने पढ़ा ढंग से नहीं।
अब देव तो आज के बाद माही सुगंधा भूल जाओगा कि छावड़ से सुगंध आती है, बस याद रखो छावड़ बने जब कितनी बढ़िया सुगंध आ रहा है, बस माही सुगंध डन है। आप उंगली नहीं कड़े बीच में आ लिख दिया, अब तो लगे अब घर जाके माही कंचन करते हो कि सर ने बताई जो थी, हाँ सिर्फ माही सुगंध। ओके ये प्रश्न आता है इसीलिए बता रहा हूँ, क्यों भाई कईयों ने पढ़ा होगा आपने से ये प्रश्न, कईयों ने पढ़ा होगा, ठीक है डन है ओके भाई। हाँ जी अब एक प्रश्न आता है, भारत में किस विधि से चावल बोया जाता है? अगर रोपण विधि लिखी हो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, रोपण विधि तो सारी आ जाती है, लेकिन आजकल जो रोपणे की भी विधि है वो भारत में जापानी विधि है, जापानी विधि से। ये प्रश्न आ चुका है पेपर में एक बार, भारत में चावल जापानी विधि से लगाए जाते हैं, तो आप लिख लो भारत में चावल जापानी विधि से लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं भी? जापानी विधि, जापान वालों ने नकल मारी है, ठीक है भाई। अच्छा नोट कर लिया, लिख लिया ना सबने,